गाइज़ मैंने तुम्हारे लिए एक गंदा मंदा सा डेटा सेट बनाकर रेडी कर दिया है तो गाइस इस वीडियो से पहले गो वॉच दैट वीडियो विच वन आई मेड फॉर द एंट्रोपी एंड दैट वन फॉर इन्फॉर्मेशन गेन पहले प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो पे मुड़ कर आएँ अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो तुम्हें इस वीडियो को समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है आई एम सो सॉरी फॉर दैट सो प्लीज़ गो वॉच दैट वीडियो इन माई चैनल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं ना उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके भी बताया सो गो दैट वॉच वीडियो तो पहले तो मैं तुम्हें, तुम्हें बताती हूँ अगर तुम्हें सीधा ये पिछली वीडियो में क्या था तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ था ठीक है डिसीजन ट्री के लिए और तुमने उसका आंसर निकालना था इसमें तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिया होगा इसमें डायरेक्ट तुम्हें एक डेटा सेट दे दिया फॉर एग्जाम्पल दिस वन और तुम्हें सीधा बोलेंगे कि इसका निकालो डिसीजन ट्री बना दो इसका ऐसे बोल देंगे तो देखो इसको करना कैसे सॉल्व मैं तुम्हें ना इसकी वर्किंग बताती हूँ ठीक है तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा हम कर क्या रहे हैं अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसकी वर्किंग में ना पहले मैं ना फाइंड करूंगी एंट्रोपी ठीक है एंट्रोपी ऑफ ईच ऑफ ईच एट्रीब्यूट ठीक है अब फिर उसमें मैं फाइंड करूंगी इंफॉर्मेशन गेन अगर मैं ये लिख रहा ना आई जी तो इसका मतलब इंस्टाग्राम नहीं है इसका मतलब इंफॉर्मेशन गेन है ऑफ ईच टारगेट एट्रीब्यूट ठीक है जी इस तरह से करेंगे उसके बाद हम ना सारे रिजल्ट्स लिख लेंगे ठीक है विल कलेक्ट द रिजल्ट एंड सिलेक्ट दैट वन वही वाला सिलेक्ट करेंगे सारे रिजल्ट लिख लेंगे वी विल सिलेक्ट दैट वन विच हैव सिलेक्ट विच हैव हाइएस्ट इंफॉर्मेशन गेन विच हैव हाइएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन ओके जी जिसका सबसे हाइएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन होगा और जो हाइएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन होगा ना जो मेरे पास हाइएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन होगा ना उसको मैं पता क्या लिख दूंगी उसको मैं बोल दूंगी ये मेरा है रूट नोड उसको मैं बोल दूंगी ये मेरा रूट नोड है उसके बाद मैं अपना जो ट्री है उसको सिम्प्लीफाई करूँगी फर्स्ट एट्रीब्यूट के हिसाब से ठीक है सिंपलीफाई द ट्री अकॉर्डिंग टू या फिर कंसीडरिंग कंसीडरिंग द फर्स्ट एट्रीब्यूट उसके बाद से इसको आइटरेट करते रहेंगे जब तक अपने पास इंफॉर्मेशन गेन नहीं आ जाएगा देखो पहले मैं इन ट्रॉपी निकालूंगी मैं तुम्हें यहीं से देख के बताती हूँ पहले मैं क्या करूँगी इन ट्रॉपी निकालूंगी जैसे कि मेरे पास इस पहले मैं क्लाइमेट ले रही थी अब मैं आउटलुक बोल लूँगी ठीक है ताकि तुम्हें वैरायटी पता लग जाए पहले मैं ना इन ट्रॉपी निकालूंगी टेम्परेचर आउटलुक एयर प्रेशर रेन इन सब की ठीक है उसके बाद इन सबके एट्रीब्यूट की मैं क्या करूँगी इन्फॉर्मेशन गेन निकाल इंफॉर्मेशन गेन निकालने के बाद मैं सारे इन्फॉर्मेशन लिख दूंगी फॉर एग्जाम्पल मैंने आउटलुक का इन्फॉर्मेशन गेन लिख दिया मैंने टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन ले लिया एयर प्रेशर का और रेन का इन सबके इन्फॉर्मेशन गेन लिख दूंगी फॉर एग्ज़ाम्पल आउटलुक का सबसे हाइएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन आया तो आउटलुक जो होगा वो रूट uh, नोड हो जाएगा उसके नीचे जो होंगे फिर हम लीड करेंगे किसके साथ सनी ओवरकास्ट सनी ओवरकास्ट और रेन के साथ ठीक है उसके बाद इन इनका भी सेम ऐसे ही करूँगी मैं एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन गेन निकालूँगी जो जिसका इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा बड़ा होगा तो वो आगे लीड करेगा तो इस हिसाब से अपना जो है वो डिसीजन ट्री बनेगा तो ये उसके स्टेप्स हैं इस तरह से चलेंगे नाउ ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें इन्फॉर्मेशन गेन और एंड के साथ ही हम ये सारा डिसीजन ट्री निकालेंगे सो मेक श्योर यू नो हाउ टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन गेन एंड हाउ टू फाइंड द इन विद द साइंटिफिक कैलकुलेटर एज आई यूज इन माई वीडियो यू कैन यूज़ माई वीडियो और एनी अदर वीडियो सो यू शुड नो हाउ टू यूज द इंफॉर्मेशन गेन एंड सो यू शुड नो हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन गेन एंड इन सो Let's go. अब ये तुम्हारे पास आ गया तुम्हारा डेटा सेट अब हम इसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आउटलुक मैं सबसे पहला ले रही हूं एट्रीब्यूट आउटलुक लेट मी चेंज फ्रॉम मार्कर टू द ब्लैक पेन सो मैं थोड़ी जो जगह है वो थोड़ी कम जो है वो यूज़ करूँ इफ़ आई हैव वन आई हैव वन वन सेकेंड गाइज सो हेयर आई एम सॉरी फॉर सो मच इनकनवीनियंसेस प्लीज़ वीडियो देखना मत रोकना और मैं को अनफॉलो मत करना तो एट्रीब्यूट इज आउटलुक तो अब इसकी वैल्यूज लेते हैं आउटलुक की वैल्यूज कौन कौन सी है मेरे पास सनी ओवरकास्ट और रेन सनी है ओवरकास्ट है और एक रेन है ये चार हैं ठीक है जी अब सनी ओवरकास्ट और रेन का हम क्या निकालेंगे सबकी मैं एंट्रोपी निकालूंगी और फिर सबका मैं क्या और फिर आउटलुक का मैं इंफॉर्मेशन गेन निकालूंगी ठीक है लेट्स गो सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन गेन निकालती हूं किसका आउटलुक uh, का इंफॉर्मेशन गेन नहीं है ये एंट्रॉपी है एंट्रोपी निकाल रही हूं मैं सबसे पहले आउटलुक की तो कितने हैं आउटलुक में यस और नो तो यस yes है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन यस है मेरे पास और नो कितने है? One, two, three, four, five. Five नो हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव नो है ओके नाउ इन द नेक्स्ट मैं अब निकालूंगी इन uh, इन ट्रॉपी सनी की फिर मैं इन ट्रॉपी निकालूंगी ओवरकास्ट की फिर मैं निकालूंगी रेन की ओके okay. अब सनी के लिए एंट्रोपी तो एंट्रॉपी का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है दैट इज वॉट दैट इज नथिंग बट एंट्रोपी हम इस तरह से निकालते हैं सारी माइनस ऑफ द पॉजिटिव एग्जाम्पल्स लॉग बेस में टू पॉजिटिव एग्जाम्पल माइनस अगेन नेगेटिव एग्जाम्पल्स लॉग टू नेगेटिव एग्जाम्पल तो ये अपना का फॉर्मूला है जो कि मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है तुम जाके देख सकते हो प्लीज देखो उस वीडियो को फिर इधर आना ओके okay, तो सनी के लिए देखेंगे हम सबसे पहले जी सनी के लिए कितने यस yes हैं और कितने नो no हैं ये रहा सनी तो पहले यस yes का देखती हूं तो यस yes है वन टू टू यस हैं और नो no कितने वन टू थ्री थ्री नो है है ना जी और अगर इस तरह से है तो फॉर्मूला क्या कहता है मेरा कि माइनस सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स दैट इज टू और टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स दैट इज फाइव लॉक बेस में टू टू बाय फाइव माइनस सारे नेगेटिव एग्जांपल्स दैट इज थ्री बाय फाइव देन लॉक टू थ्री बाय फाइव तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे जो कि मैंने तुम्हें बताया साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है इसका आंसर आएगा जीरो पॉइंट नाइन सेवन वन ऐसे ही हम ओवरकास्ट का निकालेंगे ओवरकास्ट में देखोगे कि यस कितने हैं दैट इज वन टू थ्री एंड फोर फोर यस हैं और नो no अपन के पास आई थिंक कोई भी नहीं है तुम देख सकते हो नो no वाला कोई भी नहीं है नो no है ही नहीं ओवरकास्ट में ठीक है तो जब एक भी जीरो आ जाए तो मैंने तुम्हें बताया वो सारी वैल्यू एंट्रोपी की जीरो आ जाती है ठीक है अगर एक भी नेगेटिव या पॉजिटिव एग्जाम्पल जो है वो जीरो आ रहा है तो सारी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी अब रेन का देखो वीडियो पॉज करके बताओ कितने एस हैं और कितने नो हैं थ्री एस हैं और दो नो हैं देखो रेन के लिए वन टू थ्री थ्री एस हो गए अब रेन के लिए नो देखो वन टू तो दोनों हो गए तो इसकी एंट्रॉपी निकालेंगे माइनस थ्री बाय कितना थ्री प्लस टू इज फाइव लॉग टू थ्री बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव लॉग टू टू बाय फाइव इसकी एंट्रॉपी निकालेंगे तो जीरो पॉइंट नाइन सेवन वन आएगी ठीक है जी जब आप ये निकाल लेंगे इसके बाद आप निकालेंगे इसका इंफॉर्मेशन गेन इंफॉर्मेशन गेन किसका निकालेंगे आप आउटलुक का लेट सी इसकी जरूरत नहीं है अब हम फाइंड करेंगे इंफॉर्मेशन गेन इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक अच्छा अब इंफॉर्मेशन गेन मैं तुम्हें बता देती हूँ उसका फॉर्मूला ठीक है वो क्या होता है एंट्रोपी माइनस वी बिलोंग्स टू कौन कौन से मेरे पास सनी ओवरकास्ट एंड रेन कार्डिनेलिटी ऑफ एस वी एस ये मैंने तुम्हें वीडियो समझाई हुई है कैसे करना है इसका क्या मतलब है बहुत ही डिटेल्ड तो आप वो जाके देखें तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया इन्फॉर्मेशन गेन का ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया ट्रॉपी का ठीक है जी अब देखो इन्फॉर्मेशन गेन है अपन के पास अब इन्फॉर्मेशन गेन निकालूंगी मैं तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं हम इंफॉर्मेशन को गेन को तो इन्फॉर्मेशन गेन मैं निकाल रही हूँ कॉमा आउटलुक ठीक है जी एंट्रोपी ऑफ एस मुझे पता है कितनी आई है इस ये हमने निकाल ली हुई है मैंने उस वीडियो में भी निकाल के बताई हुई है तो ये थी मेरी जीरो पॉइंट नाइन फोर ठीक है तो मैं इसे लिखूंगी जीरो पॉइंट नाइन फोर ये कैसे निकाल ली मैंने नाइन बाय फोर्टीन माइनस लॉक टू नाइन बाय फोर्टीन इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर्टीन लॉक टू फाइव बाई फोर्टीन ऐसे आई थी ठीक थी? है जी ये लिखूँगी मैं माइनस अब एंट्रोपी ऑफ किस किस की इन सनी uh, की ओवरकास्ट की और रेन रेन uh, की ठीक है तो मैं पहले निकाल लूंगी सनी फिर मैं माइनस करूंगी उसमें से ओवरकास्ट फिर उसमें से मैं माइनस करूंगी रेन देखो मैं बहुत डिटेल्ड बता रही हूँ ठीक है अपन के पास तीन थे तो तीनों माइनस होंगे एक एक करके देखो सनी सनी में टोटल कितने हैं हमारे पास टू प्लस थ्री फाइव टोटल फाइव हैं कितने में से फोर्टीन में से ठीक है इतने एग्जाम्पल्स हम सनी के लिए ले रहे हैं ओके okay. अब इसकी इन ट्रॉपी यहाँ पे लिखेंगे हम सनी की इन ट्रॉपी कितनी थी जीरो पॉइंट हाँ ना माइनस ओवरकास्ट के कितने टोटल बंदे हैं ये लिख रही हूं मैं ये ये चीज जो है यहाँ पे ये चीज है जो ये सिग्निफाई कर रही है ठीक है जी अब ओवर में कितने टोटल फोर बाय फोर्टीन टोटल चार हैं ठीक है और इसकी एन जीरो थी माइनस रेन के कितने हैं फाइव बाई फोर्टीन और स्किन ट्रॉपी कितनी थी जीरो पॉइंट नाइन सेवन वन सेम अब तुम जब इस सारे को कैलकुलेट करोगे ना तुम इसको डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इसको एक साथ ही कैलकुलेट करके इसका आंसर जो है वो बता सकते हो और उसका आंसर आएगा जीरो पॉइंट टू फोर सिक्स फोर अगर तुम्हारा ये नहीं आया तो चेक करो यही है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सॉल्व कर लिया है हो सकता है मेरी फिर भी गलती हो जाए मैं कोई बहुत नहीं हूँ मेरी गलती फिर भी हो सकती है बट यू ऑल चेक इट तो ये तुमने निकाला है अभी सिर्फ एट्रीब्यूट आउटलुक का ऐसे ही तुम एट्रीब्यूट निकालोगे टेम्परेचर का एयर प्रेशर का और रेन का ठीक है जी लेट्स गो करते हैं अगर तुमने डायरेक्ट खुद करके खुद मैं तो कहती हूँ खुद करो ज्यादा से तो मेरा मेरे साथ टेम्परेचर कर लो उसके बाद वीडियो पोज ही आगे करके तुम खुद एयर प्रेशर और रेन का निकालना ठीक है जी मेरे साथ मत चलना अभी ये एट्रीब्यूट मैंने आउटलुक का निकाल लिया नाउ लेट्स गो फॉर दी एट्रीब्यूट विच वन विच वन यू वुड गो आई थिंक टेम्परेचर के लिए जाते हैं लेट्स गो फॉर एट्रिब्यूट टेम्परेचर अब टेम्परेचर में अपन के पास वैल्यूज कितनी है टेम्परेचर पे मेरे पास वैल्यूज हैं मैंने तीन ही ली हैं इस बार हॉट वार्म कूल ठीक है ये उड़ा दी एक चार चार दिक्कत करनी थी ठीक है तो इतनी वैल्यूज हैं मेरे पास तो टेम्परेचर में वैल्यूज हैं मेरे पास हॉट वार्म एंड कूल ठीक है जी सबसे पहले मैं निकालती हूँ हॉट की एंट्रॉपी ऑफ हॉट तो हॉट की एंट्रॉपी क्या आएगी हॉट में देखो कितने यस yes हैं और कितने नो हैं हॉट में ही यस हैं वन एंड टू सिर्फ दो यस yes हैं और नो no देखो वन एंड टू और दो ही नो no हैं तो जब अपने पास सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स आते हैं ना तो हम उसका आंसर वन लिख देते हैं उसे सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अब मैं निकालूंगी वॉर्म की वॉर्म में देखो कितने यस yes हैं और कितने नो no हैं वॉर्म में वन टू थ्री फोर तो फोर यस हैं और नो no देखेंगे कितने हैं वन एंड टू टू नो है तो जब इस तरह से आए डिफरेंट डिफरेंट तब हमें निकालनी पड़ेगी एंड ओके okay? तो ऐसे करते हैं अभी हम सारे लिख लेते हैं एंटम एन ट्रॉपी निकाल लेंगे मुझे बहुत ईजी लगता है ऐसे करना ओके एन ऑफ एस कूल कूल के देखेंगे कितने एस yes हैं कितने नो हैं सो वन टू थ्री थ्री एस हैं और एक नो no है तो देखो इसकी एन निकालो एन का तो मैं फॉर्मूला मैंने बताया ही है तो इसको आएगा फोर नेगेटिव फोर बाई फोर प्लस टू सिक्स लॉग टू फोर बाय सिक्स नेगेटिव टू बाय सिक्स लॉग टू टू बाय सिक्स और इसका आंसर आएगा कितना जीरो पॉइंट नाइन वन एट थ्री ठीक है ऐसे ही मैं निकालूंगी किसके लिए आ, कूल के लिए नेगेटिव थ्री बाय थ्री प्लस वन इज फोर लॉग टू थ्री बाय फोर माइनस वन बाय फोर लॉग टू एंड वन बाय फोर और जो इसका आंसर है वो आएगा कितना जीरो पॉइंट एट वन वन थ्री ठीक है जी अब हम मैं अब मैं निकालूंगी इंफॉर्मेशन गेन किसके लिए टेम्परेचर के लिए अब देखो हमने इन ड्रॉपी है टेम्परेचर की इन ऑफ एस मतलब जो है एस की टेम जो एंट्रोपी है जो मैं एस है इसके लिए भी जो एस है और जो प्रेशर एयर प्रेशर के लिए ऐसा आएगा जो रेन के लिए ऐसा आएगा वो सारा सेम होगा क्योंकि वो सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स है ये सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स का है ये जो मैंने एस लिखा है ठीक है जी एंट्रोपी तो तुम्हें इसके लिए बार बार निकालनी नहीं पड़नी है जो तुमने ये निकाल ली है ना यही सबके लिए सेम होगी ओके गाइस क्योंकि यस नो उनके लिए तो सब सेम ही होएगा इसलिए तो सबसे पहले क्या लिखोगे तुम सबसे इजी है ना जिसमें तुम कभी गलती नहीं कर सकते ऐसे लिखो इंट्रॉपी एस ठीक है माइनस यहाँ पे लिख दो तुम जो भी तुम्हारे पास फैक्टर्स हैं हॉट वार्म और कूल cool, ऐसे लिख दो ठीक है उसके बाद तुम एनट्रोपी लिख दो कितनी आई थी तुम्हारे पास ये जीरो पॉइंट नाइन फोर माइनस अब हॉट के कितने टोटल हैं टू प्लस टू फोर और टोटल है कितने हैं अपने पास फोर्टीन ठीक है और इसकी जितनी भी एन आई थी अपने पास कितनी आई थी वन माइनस अब समर में कितने हैं फोर प्लस टू इज़ सिक्स बाय फोर्टीन इसकी एन कितनी आई थी जीरो पॉइंट नाइन वन एट थ्री माइनस स्कूल में कितने हैं थ्री प्लस वन इज़ फोर बाय फोर्टीन एंड इसकी एन कितनी आई थी जीरो पॉइंट अब तुम सोच रहे होगे ये मैं क्या लिख रही हूँ मैंने तुम्हें पिछले में भी बताया था जब मैंने इन्फॉर्मेशन गेन लिखा था ये तुम्हें ये लिख रही हूँ ठीक है जी आ, ये होता है तुम्हारे पास कार्डिनालिटी ऑफ़ एस भी और ये कार्डिनालिटी ऑफ़ एस अगर तुम्हें ये यहाँ से ही नहीं समझ आ रहा ना तो प्लीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन गेन वाली वीडियो देखो जो मैंने बनाई हुई है वो बहुत एक्सप्लेन वीडियो है तो ऐसे ही टेम्परेचर के लिए जब तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास इसका आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू एट नाइन ठीक है जी सिमिलरली तुम निकालोगे आ, अपना सेम एट्रीब्यूट किसके लिए ह्यूमिडिटी के लिए Humidity के, ये तुम्हारे पास आ गया टेम्परेचर का ऐसे ही तुम निकालोगे एट्रीब्यूट अपना ह्यूमिडिटी का ठीक है और ऐसे ही उसके बाद तुम निकालोगे रेन का तो भाई मैं तुम्हें वो अब उसके लिए मैं तुम्हें इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी तो मैं तुम्हें ऐसे दिखा देती हूँ कि उसका मैंने कैसे सॉल्व किया है मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ पर उसका मैं एक एक चीज़ नहीं बता रही क्योंकि सेम ऐसे होगा जैसे आउटलुक और टेम्परेचर का होगा लेट्स फोकस हियर नाउ यहाँ पे देखो तुम्हारी ह्यूमिडिटी के लिए दो ही वैल्यूज हैं ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी uh, भी बोलते हैं और एयर प्रेशर भी बोलते हैं कुछ बुक्स में ठीक है मैं तुम्हें बताना भूल गई तो ह्यूमिडिटी के लिए दो ही वैल्यूज हैं या तो नॉर्मल है या हाई है तो उसमें यस yes, नो no देखें कितने हैं हाई में ठीक है नो no है वन टू थ्री ओनली थ्री ओके ओनली थ्री नो फोर फोर एंड यस कितने हैं वन टू थ्री थ्री यस हैं अब नॉर्मल के लिए सिक्स यस yes हैं और जो वन है वो नो no है ऐसे आप इनकी इन निकालेंगे दोनों की और फिर हम इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे एस माइनस सेवन बाई फोर्टीन हाउ सेवन थ्री प्लस फोर सेवन बाई फोर्टीन टोटल नंबर ऑफ दी एग्जांपल्स इन ऑफ हाई माइनस सेवन बाई फोर्टीन इन ऑफ नॉर्मल ऐसे ही आप ऐसे लिखेंगे और इसकी इन लिखेंगे ऐसे ही आप इसकी इन लिखेंगे इस सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन गेन आएगा 0.1516. ऐसे ही आप ह्यूमिडिटी के बाद निकालेंगे रेन की अग, मैं इसी तरह आपको रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन करूंगी, करूंगी तो यहां पर मैंने जब इसका एट्रीब्यूट लिया रेन का तो रेन पे देखते हैं जरा लेट्स फोकस ऑन द रेन रेन के एट्रीब्यूट पे लेट्स फोकस तो देखो यस yes, कितने हैं रेन पे uh, जो यस yes पे यस yes है यस yes पे यस yes है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यस yes पे यस yes है सिक्स और यस yes पे नो no कितने हैं सो वन एंड टू तो टू अब नो के लिए थ्री यस हैं और थ्री नो no है सेम एज इट इज ठीक है जी तो इसकी जब मैंने एंट्रोपी निकाली तो जीरो पॉइंट एट वन वन थ्री आई और इसकी एंट्रोपी वन आई अब देखो इसके लिए जब मैं इन्फॉर्मेशन गेन निकालूंगी तो मैं सिंपली बताया है तो इन्फॉर्मेशन गेन मेरा ये आया अब द नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगी इस तरह से लूंगी अब मेरे पास सबके इंफॉर्मेशन गेन आ गए इस स्टेप में मैं देखूंगी सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन गेन किसका है सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन किसका है तो मेरा सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन किसका आया आउटलुक का तो ये जो आउटलुक है ये मेरा क्या है मैक्सिमम गेन है एज यू कैन सी अब जो मैंने बोला था जब तुम्हें स्टेप समझा रही थी तो मैक्सिमम गेन जो होगा वो मेरा होगा रूट नोड अब इसके आगे क्या करना है साइड बाय साइड ना अब हम अपना डिसीजन ट्री बनाना शुरू करेंगे साइड बाय साइड अब हम अपना डिसीजन ट्री बनाना शुरू करेंगे तो मैं क्या लूंगी मैं लूंगी आउटलुक ओके okay. क्योंकि ये अपना रूट नोड हो गया अब आउटलुक में नाइन प्लस और फाइव माइनस थे ठीक है जी तो मैं याद करा दूँ, क्या नाइन प्लस फाइव माइनस ठीक है जी उसके बाद मैं क्या करूंगी आउटलुक के बीच में देखूंगी क्या क्या है मेरे पास आउटलुक में सनी ओवरकास्ट और रेन तो आउटलुक में मेरे हैं सनी इसको इस तरह से लिख लूंगी सनी ओवरकास्ट और रेन अब देखो सनी में सनी में क्या है मेरे पास सनी में मेरे पास दो यस हैं, तीन नो है ओवरकास्ट में चार यस हैं, जीरो नो है और में तीन यस है और दो नो है इसको मैं एज इट इज लिखूंगी यहाँ पे ठीक है ओके okay, जी अब देखो अब अगर तो ही यस आ गए नो की कोई प्रडिक्शन है ही नहीं जितनी प्रडिक्शन है उसमें वो खेलेगा सोकर खेलेगा सारी यस आ रही है तो मतलब ओवरकास्ट में यहाँ तो हम सिंपली यस लिख देंगे कि हाँ यहाँ तो वो सोकर खेलेगा भाई अब हमें यहाँ का भी नहीं पता यहाँ का भी नहीं पता अब हम सनी का भी निकालेंगे और रेन का भी निकालेंगे ठीक है जी अब अब हम क्या करेंगे अब हम सिर्फ वही कंसिडर करेंगे जिसमें अब हम सिर्फ वही कंसिडर करेंगे या जिसमें जैसे कि मैं तुम्हें लिख के बताती हूँ इसको हम ना साइड पे रख देते हैं अपने डिसीजन ट्री को ठीक है ओके okay. तो so, इसको मैं रखूँगी साइड पे जब इसकी अगले स्टेप में जरूरत होगी तो हम इसको लेंगे अब हम सिर्फ फोकस करेंगे लेट मी टेक माई पेंसिल विद विद मी अब हम लेंगे ये वाला वन टू एट नाइन एंड इलेवन नाउ द क्वेश्चन इज वाई हम ये सारे ही क्यू लेंगे क्योंकि अब हम सिर्फ सनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है जी मैं तुम्हें दिखाती हूँ अब मैं डिसीजन ट्री पे सिर्फ सनी पे फोकस करूँगी ओवरकास्ट पर तो हमने करना ही नहीं है उसके बाद रेन पे करेंगे सबसे पहले हम फोकसिंग ऑन ओनली ऑन सनी पार्ट ठीक है तो अब हम सिर्फ डिसीजन ट्री में सनी को ही नोटिस करेंगे अब मैंने तुम लोगों के लिए ना यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही एक्सट्रैक्ट कर दी तो मैंने यहाँ से डिसीजन ट्री से ये जो सर्कल्ड वैल्यू है ये एक्सट्रैक्ट कर ली और मैंने आउटलुक वाला नहीं डाला क्यों नहीं डाला क्योंकि जरूरत ही नहीं है इसकी हमें पता ही हम सनी के लिए कर रहे हैं और आउटलुक में मेरे पास सिर्फ सनी है तो मैंने सनी वाला डाला ही नहीं हम डायरेक्ट आ गए हैं यहाँ पे तो हमारा जो पहला एट्रीब्यूट है एक मिनट तो अब देखो क्या है मैं अब फिर से इसी तरह एट्रीब्यूट लूंगी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और रेन का ठीक है एज सेम जैसे हमने पहले किया था ओके एट्रीब्यूट सबसे पहले ले, ले लेते हैं टेम्परेचर अब टेम्परेचर के एट्रीब्यूट में देखें आपके पास क्या कौन कौन सी वैल्यूज हैं आपके पास वैल्यू है या तो हॉट है या कूल है या वार्म है ये तीन ही कंडीशन हैं। ठीक है जी सबसे पहले आप एन ट्रॉपी निकालेंगे हॉट के लिए फिर आप एन ट्रॉपी निकालेंगे कूल के लिए फिर आप एन ट्रॉपी निकालेंगे वार्म के लिए तो हॉट में यस और नो देखते हैं कितने हैं हॉट में हाँ है आ, नो है वन टू दो है और दोनों ही नो है हॉट के लिए ठीक है तो यस जीरो हो गए और नो no, टू हो गए अब कूल cool के लिए यस yes है सिर्फ एक और नो no है ही नहीं और वार्म के लिए एक यस yes है और एक नो no है ठीक है इतना समझ आ गया अब अगर एक जीरो हो तो हमें पता है उसकी एंट्रॉपी जीरो हो जाती है और अगर एक जीरो है जीरो है अगर दोनों सेम सेम है तो वन हो जाती है यहाँ पे आपकी एंट्रोपी आ गई अब हम निकालेंगे इन्फॉर्मेशन गेन किसका सनी पे सनी पे किसका टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे तो सबसे पहले एनट्रॉपी आएगी एस ठीक है माइनस यहाँ पे आएगा आ, ये जो एन आएगी एस माइनस ये कितने हैं टोटल जीरो टू बाय अच्छा अब टू बाय कितना लिखना है यहाँ पे फोर्टीन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं इतने ही डेटा सेट की बात कर रहे हैं तो ये कितने वन टू थ्री फोर फाइव टू बाय फाइव और ये आएगा एंट्रोपी ऑफ हॉट माइनस वन प्लस जीरो इज वन एंट्रोपी ऑफ कूल माइनस वन प्लस वन इज टू टू बाय फाइव एंट्रोपी ऑफ वॉर्न ठीक है जी एस माइनस टू बाय फाइव इज नथिंग बट टू बाई फाइव एज एट एज और एस की जो ये हॉट है जीरो माइनस वन बाय फाइव इसकी एन आएगी जीरो माइनस टू बाई फाइव इसकी एन है वन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा जीरो पॉइंट नाइन सेवन जीरो पॉइंट फाइव सेवन जीरो ठीक है जी इतना आपको समझ लगा आगे चले आगे अपन का क्या क्वेश्चन है ये एट्रीब्यूट कौन सा है ये अभी हमने एट्रीब्यूट लिया था टेम्परेचर प्लीज वीडियो को पॉज करके खुद करें अब अब खुद करें अगला अपना एट्रीब्यूट है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी में अपने पास कितनी वैल्यूज हैं दो दैट इज या तो हाई है या तो नॉर्मल है एंट्रोपी निकालेंगे आप हाई की फिर एंट्रोपी आप निकालेंगे नॉर्मल की मैं आपको बता देती हूँ हाई में यस और नो निकालेंगे आप कितने हैं तो हाई में जो नो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर थ्री एंड यस एक भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और नॉर्मल में दोनों ही यस हैं और ये एक भी नहीं है तो ये इसकी एंड भी ज़ीरो आएगी और इसकी भी ज़ीरो आएगी और इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे आप सनी में किसका ह्यूमिडिटी का तो एस माइनस थ्री बाई फाइव एंट्रॉपी ऑफ हाई एंड माइनस नॉर्मल की आएगी टू बाय फाइव दिस इज नॉर्मल तो आप जरा वीडियो पॉज करें और सारी की सारी निकाल लें अब देखो ह्यूमिडिटी के लिए जब मैंने निकाला तो मेरे पास जीरो पॉइंट नाइन सेवन एज इट इज आ गया अच्छा मैंने यहाँ पे अभी जब मैं ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने तुम्हें ये तो बता ही नहीं ये एनट्रॉपी ऑफ सनी तुम वैसे खुद निकाल सकते हो आई नो पर मैंने तुम्हें एंट्रोपी ऑफ सनी निकाली ही नहीं तुम्हें पता ही नहीं यहाँ पे मैंने क्या लिया था तो यहाँ पे मैंने लिया था ज़ीरो पॉइंट नाइन सेवन और वो कैसे लिया मैंने निकाली थी एंट्रोपी ऑफ सनी तो देखो वो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए स्पेशल एंट्रोपी ऑफ सनी देखो जी अब सनी के लिए यस yes और नो no देखेंगे ये सारा सनी के लिए ही है ना ये तो सारा सनी के लिए है तो सनी के लिए एंट्रोपी निकाली हमने पीछे निकाली थी एंट्रोपी सनी के लिए इफ यू रिमेम्बर्ड लेट मी फाइंड फॉर यू गाइस तो जब हमने सनी के लिए एंट्रोपी निकाली थी तो अपनी क्या आई थी देखो यहाँ पे हमने सनी के लिए एन निकाली थी ना तो क्या आई थी जीरो तो ये वही है तो यहाँ पे हमने 0.97 ही लेना है यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा तो अपन की यहाँ पे जो एंट्रॉपी आएगी वो 0.97 ही आएगी ठीक है तो यहाँ यहाँ हर जगह 0.97 ही आएगा ओके यहाँ हर जगह तो इसका इन्फॉर्मेशन गेन ये आएगा तो मैंने सबके इंफॉर्मेशन गेन ले लिया अब जब सबके इन्फॉर्मेशन गेन ले लिया इसमें सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन गेन किसका आया है थिंक अबाउट इट इसमें सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन गेन ये आया ना तो ये है हमारा मैक्स गेन तो अगर ये मैक्स गेन है तो ये क्या होगा तो ये हो गए अपनी रूट नोड आई होप यू गेट इट नाउ लेट्स गेट बैक टू अपर डिसीजन ट्री तो ये अपनी आउटलुक है सनी ओवरकास्ट और रेन आ गया ठीक है जी अभी ये अपनी आ गई सनी सनी में अपन के पास रूट नोट अगली कौन सी आई थी ह्यूमिडिटी की है ना जी अब ह्यूमिडिटी मतलब एयर प्रेशर की बात करें हम यहाँ पे किसी बुक में ह्यूमिडिटी लिखा है कहीं हमें एयर प्रेशर लिखा है तो सनी के बाद हमने बात करी है सीधा उसके बाद आई है ह्यूमिडिटी ठीक है जी अब ह्यूमिडिटी में आगे दो थे क्या ह्यूमिडिटी दो टाइप की है या तो हाई है या तो नॉर्मल है है ना या तो हाई है या तो नॉर्मल है देखो अब यहाँ पे देखो जब ह्यूमिडिटी हाई है ध्यान से देखना यहां पे मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाऊंगी इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें अगर इस तरह से तुम्हारा सॉल्व हो रहा है ह्यूमिडिटी में देखो हाई और नो no, हाई uh, और नॉर्मल की किस तरह है हाई uh, ये है और नॉर्मल किस तरह है ये आ रही है तुम्हारी ये ये चीज लिखी है मैंने यहां पे भी ठीक है तो ये चीज आ रही है तुम्हारी अब यहां पे जरा फोकस करें आप जब तो एक भी पॉजिटिव वो नहीं है मेरे पास एग्जाम्पल लाइक कोई ऐसी आउटकम बनेगी नहीं कोई ऐसी प्रडिक्शन होगी ही नहीं जब वो सॉकर खेल रहा है सारी तीनों की तीनों प्रडिक्शन वो है जब वो सॉकर खेल ही नहीं सकता जब आउटलुक में सनी होएगा और ह्यूमिडिटी हाई होगी तो सारी कंडीशन ना पे ही जा रही हैं तो मतलब इस कंडीशन में वो कभी खेल ही नहीं सकता सॉकर तो सीधा नो लिख देंगे आप अब नॉर्मल में देखो ऐसी दो कंडीशन है यहाँ पे वो खेलेगा और ऐसी कोई कंडीशन अक्कर ही नहीं हो रही कि वो नहीं खेलेगा नॉर्मल कंडीशन uh, में तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यस लिख दोगे ठीक है अभी ये पार्ट हो गया ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे रेन के लिए वैसे इतना इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में अगर आएगा तो आपको दो या तीन क्वेश्चन ही आएंगे और दो ढाई घंटे का टाइम होगा तो इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में अगर आया तो इस तरह से सॉल्व होगा अब मैं अब मेरा ये खत्म हो गया पार्ट ओवरकास्ट भी हो गया अब नाउ आई विल बी फोकसिंग टू द रेन जब आप रेन के लिए फोकस करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा लेट मी शो यू विद द सॉल्व एग्जाम्पल uh, तो अगर आप ख़ुद सॉल्व करना चाहते हैं आप करें बाकी मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगी। ओके okay. तो अब मैंने क्या किया इस अपने डिसीजन ट्री से एक्सट्रैक्ट कर ली सिर्फ रेन की वैल्यूज़ क्योंकि अब हमने जो डिसीजन ट्री आगे बनाना है वो रेन के लिए बनाना है तो अब मैंने सिर्फ रेन की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर ली अपने डिसीजन ये डेटा सेट से ठीक है जी तो ये सिर्फ रेन के लिए है अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया एट्रीब्यूट uh, लिया टेम्परेचर उसका निकाल ली और इन्फॉर्मेशन गेन निकाला तो मेरे पास इसका इंफॉर्मेशन गेन जीरो पॉइंट जीरो वन नाइन टू आया ह्यूमिडिटी के लिए एंट्रोपी निकाली हाई uh, और नॉर्मल की और जब इनका इन्फॉर्मेशन गेन निकाला तो जीरो पॉइंट जीरो वन नाइन टू अगेन तो फिर जब मैंने एट्रीब्यूट रेन लिया और इन दोनों की आ, वो निकाली मैंने एंट्रापी और फिर उसके बाद जब उसकी हेल्प से इंफॉमेशन गेन निकाला तो जीरो पॉइंट नाइन सेवन आया ठीक है जी अगर आपको इसकी भी प्रॉपर आपको चाहिए कि मैं इसकी डिटेल्ड बनाऊं हर एक चीज सॉल्व करके दिखाऊं दिखा दिखा करके तो मैं वो वीडियो भी बना सकती हूँ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स तो आगे जब मैंने इन सब की इन्फॉर्मेशन गेन कलेक्ट करी तो मुझे हाइएस्ट इन्फॉर्मेशन रेन में से रेन का ही इन्फॉर्मेशन गेन जो था वो सबसे ज़्यादा मिला मुझे तो इन्फॉर्मेशन गेन जो मेरे को रेन का सबसे ज़्यादा मिला तो ये अपन का क्या हो जाएगा रूट नोड सो लेट्स फोकस हेयर ठीक है जी अब ये मेरा रूट नोड हो गया यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसमें जो आगे बढ़ाऊँगी वो किसको बढ़ाऊंगी बढ़ाऊँगी रेन को अब रेन में आगे दो थे या तो रेन होएगी या तो रेन नहीं होएगी ठीक है जी अब रेन में यस के साथ यस वाले हैं एक दो तीन और नो वाले यस के साथ कोई भी नहीं है तो थ्री प्लस ज़ीरो माइनस और नो के लिए नो नो, नो वन और टू और यस कोई भी नहीं है ठीक है अब इस कंडीशन में देखो कि कोई ऐसी कंडीशन पैदा ही नहीं हो रही जिसमें आ, कोई ऐसी है ही नहीं प्रडिक्शन जिसमें वो ना खेले और रेन हो और वो ना खेले मतलब वो खेलेगा तो यहाँ पे खेलेगा या खेलेगी जो भी तो यहाँ पे हम सिंपली येस yes लिख देंगे और आ, यहाँ पे हम सिंपली नो no लिख देंगे क्योंकि कोई ऐसी प्रडिक्शन बनी नहीं है जिसमें वो किसी भी कंडीशन में खेलेगा हमेशा नहीं खेलेगा जब बारिश नहीं होगी तो सोकर नहीं खेली जाएगी तो अपना जो फाइनल डिसीजन ट्री बनकर रेडी हुआ है दिस दिस इज इज योर फाइनल डिसीजन ट्री एंड इन द एंड यू विल ऐड दिस नो एंड यस बिकॉज दिस मेक्स द फाइनल प्रडिक्शन ऑफ योर डिसीजन ट्री सो दिस इज योर डिसीजन ट्री विद द हेल्प ऑफ विद जस्ट विद द हेल्प ऑफ द डेटा सेट द गिवन डेटा सेट विदाउट एनी गि क्वेश्चन सो दिस इज हाउ यू मेक द डिस मैंने इस वीडियो पर प्लीज़ बहुत बहुत मेहनत लगाई है इफ़ यू वॉन्ट द पी डी एफ्स ऑफ दिस होल वीडियो आई विल प्रोवाइड यू विद दैट एज़ वेल मैंने प्लीज़ इस पर बहुत मेहनत लगाई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट प्लीज़ शेयर इट प्लीज़ इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और और वीडियोस बनाऊं अगर आपको किसी और टॉपिक पे स्पेशली उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे नीचे बताइए और मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे